सब्सक्राइब करें सत्यजीत टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सत्यजीत टेक्निकल चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपका यहाँ पे, यदि आप यूट्यूब नए यूज कर रहे हो, यदि आप नए यूट्यूबर हो और पुराने यूट्यूबर है तो उनकी बात ही अलग है, वो तो उनको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। यदि आप नए यूट्यूबर हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यदि आप यूट्यूब अभी जस्ट आपने अपना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट 3 एप्लीकेशन, और हो सकता है तो 4-5 भी हो जाए। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपके पास यदि यूट्यूब यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ये 3 एप्लीकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 3 एप्लीकेशन क्या क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो यदि मैं YouTube की बात करूं तो आपको तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट YouTube की एप्लीकेशन मिलती है, ये कुछ किसी भी मोबाइल पे यदि आप लेते हो तो उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट YouTube की एप्लीकेशन इंस्टॉल रहती है। तो उस एप्लीकेशन की मैं बात नहीं करूंगा। और यदि दूसरी मैं बात करूं तो वहां पे आपको एक नंबर पे आता है, वो आता है यहाँ पे YouTube की स्टूडियो। जी हाँ, YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यदि मैं वॉच टाइम की बात करूँ तो वहाँ से आप देख सकते हो। यदि मैं आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं मैं आपको सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यदि वॉच टाइम की बात हो तो वह भी आप देख सकते हो, आपकी कितनी मंथली अर्निंग हो रही है वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। हाँ, आप जो है वो अपनी यूट्यूब की जो वो जो आप अपनी YouTube पे जाके लॉग इन होकर डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है एक आपको एप्लीकेशन के द्वारा कैसे देखना है वो बहुत सिंपल है। आपको ऑलरेडी पता है यदि आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो या फिर आप डेस्कटॉप पे यूज़ करते हो तो दोनों पे बहुत का फ़र्क होता है। एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट काम करती है और जो है एप्लीकेशन फास्ट वर्क करने की वजह है कि वो जो है बहुत सिंपल होता है। वहाँ पे जो आपको आईडी वगैरह लॉग इन नहीं करनी पड़ती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर से रजिस्टर रहता है, जिसकी वजह से वो जो है आपका अकाउंट जो है तुरंत जो लॉग इन हो जाता है और वहाँ पे आप अपनी सब्सक्राइब काउंट जो है वो 100% रियल टाइम देख सकते हो, और आपकी व्यू कितनी हो रही है, क्या आपका रैंक चल रहा है, वो सारा चीज़ जो है आप वहाँ पे देख सकते हो। आपका कमेंट सबसे मेन बात है यहाँ पे, कमेंट, ठीक है। यदि आप कोई भी वीडियो डालते हो, सबसे बेस्ट यहाँ पे यदि आप कोई वीडियो डालते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी यदि 10 वीडियो व्यू हुए तो 10 वीडियो पे यदि कोई भी यदि 6-7 कमेंट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब कमेंट का आप रिप्लाई करोगे, यदि आपके पास ये एप्लीकेशन ना हो, ठीक है, YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन ना हो तब की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपके पास ये एप्लीकेशन ना हो तब आप यदि इस 10 कमेंट की रिप्लाई करने की मैं बात करूँ तो आप जैसे ही रिप्लाई करने एक बंदे की कमेंट पे जाओगे तो वो वीडियो आपका फिर से प्ले हो जाएगा। वहाँ पे आप उसे रिप्लाई करोगे तो वहाँ पे जो YouTube के टर्म्स एंड कंडीशन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया कि आपको अपना खुद का वीडियो नहीं देखना है, ठीक है, आपका अपना खुद का वीडियो नहीं देखना है। यदि ऐसी बात होती तो कोई भी जो है उतने व्यू के लिए बैठना नहीं, खुद से वीडियो बार बार वॉच टाइम करके अपनी वीडियो को व्यू बढ़ा सकता था, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है YouTube की तरफ से कि आपको वीडियो खुद नहीं देखना है, आपको यदि वीडियो की रिप्लाई करनी है तो आपको जो है YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन यूज़ कर लो, या फिर यदि आप सिंपल लैपटॉप से भी कर सकते हो या फिर डेस्कटॉप पे यदि आप लॉगिन करके अपनी जहाँ वीडियो एडिटिंग करते हो वहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन की। तो ये एप्लीकेशन जो है काफ़ी बेस्ट रहेगा यहाँ पे। तो वह जो आप कमेंट की रिप्लाई यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पे यदि आपकी कोई स्पैम मैसेज आती है तो उसे भी आप डिलीट कर सकते हो, किसी भी तरह की आप लाइक कमेंट कर सकते हो, जो कि आपका हार्ट कमेंट होता है जहाँ पे वो हार्ट की पिक्चर आती है उस टाइप की भी आप लाइक यहाँ पे कर सकते हो, जो कि काफ़ी बेहतरीन। और अब जो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आया है वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे जो अपडेट आया है वो काफ़ी बेहतरीन है। और आप जो है यहाँ पे YouTube क्रिएटर की ये ऐप जो प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना यदि आप YouTube यूज़ करते हो दिल से। और दूसरी यदि मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे आता है Google AdSense की। जी हाँ, Google AdSense जो कि आपको अपना सारा चीज़ बताएगा कि आपकी CTR क्या चल रही है, आपकी वॉच टाइम कितनी चल रही है, आपकी व्यू कितनी हुई है कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन जो है काफ़ी बेस्ट है और यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिलेगा कि आपकी वीडियो व्यू कितनी गई है, आपकी लास्ट मंथ कितनी व्यू है, आपका पर डे का यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपकी सेम डे वर्सेज लास्ट डे कैसी व्यू थी, अब कितने आपकी चैनल की व्यू आज घटी है, फर्स्ट मंथ कितनी थी, लास्ट मंथ कितनी है। बाय डिफॉल्ट जो है वहाँ पे आपको सारा कैलकुलेट करके वो गूगल एडसेंस देगा, तो वहाँ से जो है आप जाके अपनी CTR देख सकते हो, अपनी इंप्रेशन CTR CPC देख सकते हो, आपका कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रहा है वो देख सकते हो। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे जो है आप गूगल एडसेंस के द्वारा भी देख सकते हो। तो ये हो गई यहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप जो है देख सकते हो
अपनी एप्लीकेशन जो है वो होती है गूगल एनालिसिया। गूगल एनालिटिक्स की मैं बात करूँ तो ये एप्लीकेशन काफ़ी बेस्ट है, जो कि यदि आप वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हो, यदि आपने अपनी वेबसाइट को इससे लिंक किया है तो वहाँ से भी आप जो है काफ़ी अच्छी देख सकते हो। और यूट्यूब की मैं बात करूँ तो वो यूट्यूब के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यदि मैं तीसरी एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर आ जाती है सबसे बेस्ट चौथी एप्लीकेशन, जिसका नाम है यहाँ पर आपको पिक्सआर्ट। जी हाँ, यदि आप कोई भी वीडियो बनाते हो तो वहाँ पर सबसे पहले थंबनेल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है यहाँ पे थंबनेल की। जी हाँ, थंबनेल की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप जब तक कोई भी वीडियो की थंबनेल ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बनाते हो तो जो क्या होगा, आपकी वीडियो उतनी वॉच टाइम नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि आप जो है सबसे बेस्ट आपको जो भी, यदि आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप की सबसे अच्छी नॉलेज यदि ऐप पे है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये जो चार पांच एप्लीकेशन मैंने बताई है वो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको रहने वाली है। हाँ, यदि आप कंप्यूटर से अच्छी नॉलेज हो, फोटोग्राफर हो, यदि आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो ऑलमोस्ट जो है आप CS3 या फिर और भी एडोब फोटोशॉप की सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा नए यूट्यूबर के लिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपनी मीठी मीठी बातें कमेंट पे जरूर हमें बताओ। नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटा बटन को जरूर दबाना, ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।